जैन साहब कैसे हैं? जैन आप कैसे हैं? बढ़िया है। क्या कुछ हो रहा है? मेला में घूम रहे हैं आप? हाँ, हवलदारी का काम मिला है क्या आपको? अरे पागल है क्या? खिचड़ी का मेला और हवलदार दिखता हूँ, इधर देख कितने स्टार है। सर, जय हिंद। डबल स्टार, हाँ डबल स्टार आप तो हैं। कुछ भी यार, अच्छा देख के बोला करो। मैं स्टार देखा ही नहीं था। हाँ कैप देखे कैसा लग रहा हूँ? वाह क्या बात है, हीरो सही में पुलिस वाले लग रहे हैं। पुलिस वाले का पुलिस वाला हूँ और क्या, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम। सॉरी सर, मुझे से यहां से भी हूँ और रियल में भी हूँ। अरे बाप रे बाप, राम कुमार यस इंस्पेक्टर है आप? यस, इंस्पेक्टर हूँ भाई, खिचड़ी सर हम पे कोई का मेला कोई है। मेरे ऊपर मामला मत दर्ज करिएगा, मुझसे गलती हो गई। हाँ तो आइंदा जो है देख के बोलना है ना, हवलदार मत बोलना, नहीं तो हवालात में बंद कर दूंगा। एक्चुअली यहाँ पर निरहुआ की फिल्म की शूटिंग चल रहा है पूर्वांचल का, तो उसमें एक पुलिस वाला था, मुझे लगा वही पुलिस वाला है। हवलदार वाला था ना वैसे? अबे हवलदार अलग है, इंस्पेक्टर अलग है। ठीक ओ हाँ, अच्छा चलिए, अब तो आज खिचड़ी के मेला में आए ही हैं, तो कुछ हमारे दर्शकों को बता दीजिए कैसे मनाते थे बचपन में और अभी क्या कुछ चल रहा है। बचपन में, पहले बचपन से शुरू करते हैं। बचपन में पता है क्या है, खिचड़ी का मेला से पहले क्या करते थे, घर से कुछ पैसा चुरा लेते थे, कुछ इकट्ठा कर, पहले से इकट्ठा करते थे, नहीं होता था चुरा लेते थे। अच्छा चुरा लेते थे तो भाई पतंग के लिए और लटाई के लिए, है ना, लटाई ऐसे ऐसे उल्टा बिल्टा। हमको तो मालूम चला गोली खेलते थे पहले आप। अरे गोली तो खेलते थे लेकिन खिचड़ी के दिन तो साला पतंग उड़ाते थे हम लोग। अच्छा तो क्या करते थे, पतंग के लिए पैसा चुरा लेते थे। हाँ और जिस दिन खिचड़ी रहता था उसके रात, उसके ना मतलब एक दिन सुबह होने से पहले, मतलब 13 तारीख को रात में हम लोग घर पे पता है लटाई उटाई खरीद के ला के धीरे से दलान उलान में डाल देते थे और सुबह उठते थे हम दलान में ऐसी घूमते, अरे हई था करना हई पता नहीं था दलानिया में लटाई छोड़ चल गई बा, अच्छा धागवा का बड़ा शीशा लगा के चावल क्या क्या करते थे? अच्छा 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 दिलाया हम लोग आज घूरा सुनते, घूरा मतलब जहाँ पे घर के लोग जो है कूड़ा फेंकते है ना, घूरा पे हम लोग पूरा गांव खोज मारते थे शीशा के लिए, लालटेन का शीशा मिल जाए या बल्ब का शीशा मिल जाए, वो पतला होता था उसको मालूम है लोखंड का जो आता है कूचने वाला ओखल, उसमें कूच के फिर चावल को मिलाते थे, उसके जाते थे सरे में बगीचा में और पूरा रील खरीदते थे और ये पेड़ से ऊपर तक जो है बांध देते थे और मुट्ठी में लेके अब पूरा जो है उसको मांझा बनाते थे, हमारे गांव में मांझा कहा जाता, और सूखने के बाद फिर दोबारा पलिया के एकदम जो बाहर वो पतंग काटे के, वो पतंग काटे के पूछा मत। हाँ मत को एक और बात याद आ गया, पलटुआ चाचा के बोल तुम्हें खुले रह रात में ना। फिर फालतू सवाल, हम तो लगा कि तू ही खोल ले रहा पलटू चाचा के बॉल, 4 गो रात में चोरी भई रहे। अबे नहीं हम लोग चोर थोड़ी है, कहने का मतलब पैसा चुराते थे, कुछ ऐसा त्योहार रहता था तो, कुछ ऐसा वो चीज था तब चुराते थे, हम चोर थोड़ी है। इंस्पेक्टर साहब आपने बोला मैं चोरी करता था, अरे तो अब पुलिस वाला कैसे बन गए पहले बताइए। पुलिस वाला तो बताना मत करो, से साल का पहला फिल्म का शूटिंग कर रहा हूँ पूर्वांचल का। अच्छा और निरहुआ के साथ है? हाँ, उसका आदेश है। अच्छा वो डायरेक्टर है, क्या नाम है डायरेक्टर का? धीरज पंडित। धीरज पंडित, अच्छा डायरेक्टर। अच्छा बाप रे बाप, पूर्वांचल अपना तो नाम भाई बहुत बड़ा है। पूर्वांचल पूर्वांचल तो ऐसे ही फेमस है और ये आएगा ना तो भावना पूरा आग लगा देगा। चलिए भाई तब तो बहुत बधाई, आपको बहुत कमाई होता पूर्वांचल में, तो बहुत माल लूटते होंगे आप लोग। हाँ पूर्वांचल में जो इंस्पेक्टर आता है बहुत लूटते हैं भाई, उनको हम लोग कूटने आए हैं। नहीं कूटते भी हैं लेकिन सुने कि रात में जब हो जाता है तो आप लोग पीछे से भी ले लेते हैं। नहीं है? हम बड़े दूजे किस्म के इंस्पेक्टर है ना। अच्छा हाँ लेते नहीं है, देते हैं क्या, गोली चाहे डंडा देते हैं भैया। हाँ हम वो है, हमारे देश के खिलाफ या हमारे देश के अंदर जितने भी गलत लोग हैं भाई उनको हम लोग कूटते हैं ना, जो लूटता है ना। साहब हम नहीं कोई गलत काम किए, हमको कुटिएगा मत, हम तो बस जा रहे थे तो सोचे देख लें क्या कोई गलत कर गलत, तो क्या है ना आजकल जानते हैं सब बदनाम हो गया है, तो हमको लगा कि वही इंस्पेक्टर हैं। एक दिन आए हम जा रहे थे तो एक इंस्पेक्टर, हम हेलमेट नहीं लगाए थे तो इंस्पेक्टर बोला चालान कटेगा। सही बोला, चालान क्या नहीं कटेगा, तो पैसा पूरा था नहीं तो बोला कि ठीक है 100 रुपये दो हम तुमको छोड़ देंगे। अब ऐसा ही जो है ये सब जो है हरामी लोग हैं, ये गलत लोग हैं। देखो हेलमेट वो तुम्हारे लिए सोच रहा है लेकिन आपकी गलती है, हेलमेट लेके चलना चाहिए। और अगर पैसा मांग रहा है ना, पैसा मांग रहा है तो आप दो तो बोलो कि तुम रसीद काटो ताकि वो सरकारी खजाने में जाए,
तो आप लोगों को भी क्या है, जादू 100 देना है, 100 रुपये भाई अपना बचा लिए, लेकिन देश का कितना नुकसान हुआ और अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। अरे पैसे की अगर बचत करना है, जो 100 रुपये तुम्हारे लगा 100 रुपया जा रहा है तो हेलमेट पहनो, हेलमेट क्या नहीं पहने तो 100 रुपये बच जाता। अच्छा अकल से, थोड़ा सा अकल से भाई, है ना। अच्छा आगे से हम हेलमेट पहन के आएंगे दरोगा साहब। बिल्कुल पहनो बिल्कुल। और जो कोई जो अगर कभी बाई मिस अगर आप ऐसा होता है तो आप फाइन भरे तो पूरी रसीद ले, ताकि वो सरकारी खजाना। अच्छा ये डाउट हो रहा मेरे को, ये जो ड्रेसवा है आप ही का कि आपने बड़े साहब का चुरा लिया है? नहीं नहीं मेरा है। हम आपको हवलदार के, अरे अभी शूटिंग कर रहा था, है ना, शूटिंग कर रहा था तो जो इंटरव्यू के लिए आए सब कह रहे थे कि अरे मतलब फिल्म में जो इंटरव्यू के लिए आए थे, मीडिया आई थी, बता इतनी भीड़ थी मीडिया, हम गए उसमें जो है कई दूसरी लड़कियां थी, सब बोल रही कि सर आप तो रियल पुलिस वाले, हम गए रियल पुलिस वाले नहीं हूँ, हाँ लेकिन काम ऐसा करता हूँ रियल पुलिस लगता हूँ। अच्छा ये सब मेला बहुत सारे खिचड़ी में देख रहे हैं, बहुत सारे लड़का इधर उधर घूम रहे हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो जाता है, बम भी फोड़ देते हैं, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे हिंदुस्तान वासियों को? देखो भाई ये हमारा देश है और हम सब एक हैं। कुछ लोग गलत हैं जो हम आपको लड़ाना चाहते हैं मजहब के नाम पे, कभी पैसे को लेके, कभी नाम को लेके, कभी कास्ट को लेके, मतलब अलग अलग तरीकों से अलग कि कैसे जो है देश में एकता ना बने। जब देश में एकता नहीं रहेगा तो बाहर के मुल्क के, बाहर के जो देश है वह हम पे आक्रमण करेंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमारे देशवासियों को ये समझना चाहिए कि हम सब एक हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, हम सब एक हैं यार, हम मरेंगे जियेंगे इसी जमीन पर, इसी सरजमीं पर, तो हमें सबका सोचना चाहिए और हम सब एक हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे गलत काम करते हैं, ऐसे गलत बयानबाजी देते हैं, उनके हम बातों में आ जाते हैं, नहीं, ईश्वर अल्लाह ने हमें भी दिमाग दिया है, हमें समझना चाहिए कि हमारा देश है और इसके खिलाफ हम कुछ नहीं होने देंगे, और कोई अगर गलत करता है तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद आपको, नया साल और खिचड़ी की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, और हमारे सभी दर्शकों को अयाज खान की तरफ से नव वर्ष और खिचड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, लव यू ऑल।